हमारे चॉकलेट एंड आइसक्रीम सैंडविच की फाइनल लुक देखें, इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह, और ये खाने में भी बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद राबिया। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच, जो कि बनके बहुत ही मज़े का बनके रेडी होता है और बहुत टेस्टी होता है खाने में। ये मैंने चॉकलेट लिए हैं, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये मैंने ब्रेड सैंडविच की शेप काट लिया, ये देखें मैंने इनको पहले ही कटिंग कर लिया है, अगर आप बाद में करना चाहते हो तो बाद में कर लेंगे। आइसक्रीम मैंने ली है, आपको जो आइसक्रीम पसंद हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 तक मैंने चॉकलेट ली है। अब ये जैम है, होममेड ये एप्पल जैम है, इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम जैम लगा लेंगे इसके ऊपर, और जैम की जगह आप बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन जैम से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब चॉकलेट मैं इसके ऊपर क्रश कर लूँगी, आप छुरी की मदद से काट के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर क्रश करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये सैंडविच जिनको, ये देखें चॉकलेट मैंने तमाम डाल लिया ऊपर, जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत पसंद है उनके लिए तो ये सैंडविच बेस्ट है। थोड़ी सी मैं छुरी की मदद से काट के भी रख दूँगी चॉकलेट, ये देखें तमाम मैंने ऊपर जैम और चॉकलेट लगा ली है। इसी तरह मैं दूसरों के ऊपर भी लगा लूँगी और फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है आपने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ये देखें तीनों पे लग चुकी है, मैंने चॉकलेट भी लगा लिया और तीनों पे जैम भी लगा लिया। इन पे आइसक्रीम मैंने पहले इसलिए नहीं रखी ताकि वो मेल्ट ना हो जाए, अब हम इसके ऊपर आइसक्रीम रखेंगे, ठीक है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। चलें अब इसके ऊपर आइसक्रीम रख लेते हैं। ये लें आइसक्रीम ली और वाह इसके ऊपर रख दी हमने, कितना ये कमाल का बन के रेडी होगा, ठंडा ठंडा आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलें इसके ऊपर आइसक्रीम लगा लेंगे, इसी तरह मैं दूसरों के ऊपर भी लगा लूँगी आइसक्रीम और इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे हम, ठीक है। जब भी आपके घर गेस्ट आएँ आप ये बनाएं और उनको ये खिलाएँ, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरों के ऊपर भी रख लूँगी, ये लें इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह रख लिया और इसी तरह मैं तीसरे के ऊपर भी रख लूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लें, ये आपकी तरफ से ही नाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चलें इसके ऊपर भी मैं अपना ब्रेड का स्लाइस रखती हूँ। ये लें 2 सैंडविच हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, 5 मिनट लगे हैं इसको, जोन सी आपको चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद हो आप वो रख सकते हैं, ठीक है। चलें ये बन के रेडी हो गया, ये तीसरा भी मैं इसी तरह इसके ऊपर रख दूँगी। चलें ये रेडी हो चुके हैं, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। इसको कटिंग कर लेते हैं तीसरे को, क्योंकि 2 तो मैंने पहले ही काट लिए थे, ठीक है। इसको मैंने इस तरह काटा है, आप जिस शेप में काटना चाहते हैं काट लें। ये देखें माशाल्लाह आइसक्रीम नज़र आ रही है और कितनी मज़े की ये लग रही है। तो अगर आप चलें इसको अब हम सर्व, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चॉकलेट रख दूंगी, चलें छुरी की मदद से मैंने काट के ब्रीक ब्रीक रख दी है। चलें ये देखें ये बन के रेडी है, चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आप लोगों ने मिस नहीं करनी, ये जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए नहीं है, ये जो लोग चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद करते हैं उनके लिए है। ये है जनाब इसकी फाइनल लुक, ये देखें इसकी करीबी लुक भी मैं आपको चेक करा रही हूँ। माशाल्लाह किस किस के मुंह में पानी आया है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा ये किस किस को अच्छा लगा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको चॉकलेट आइसक्रीम की सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर दिया तो आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।